गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना सर धोया है। मैं अभी भी धोने के प्लान में नहीं थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और वैसे मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीजी से हो गया था, खुजली हो रही थी, गंदे सर गंदा हो जाता तो खुजली होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। मैंने आज फाइनली वॉश कर लिया। अब मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने। आज मेरे मतलब खाना नहीं बना है, आज भिंडी बनी है जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं टमाटर की चटनी और रोटी खाऊंगी। अभी बनाती हूँ नीचे जाकर। चलते आज थोड़ा काम है शॉर्ट्स का, यूट्यूब का, वो भी करें। नहाने के बाद ना बहुत प्यास लगती है, पता है मेरे को भिंडी बनी है खाने में, मेरे को नहीं पसंद भिंडी, मैं बनाती हूँ अपने लिए। ये हमारी लड्डू का ग्लास है, इसे हम ही पीएंगे। मैं पानी पी लूँ, नहाने के बाद में सच में बहुत प्यास लगती है। और अभी तो पता है अभी हाल फिलहाल में तो भोपाल में थोड़े दिन पहले तो कश्मीर हो गए थे, अब कश्मीर हो रखा था, अब वापस से भोपाल गर्मी वाला हो गया है। नाम भी आरुणी था, तो चलिए अब मैं उसको किस कर देती हूँ। आ गई है स्कूल से, ये हमेशा एक जो कपड़ा पकड़ती है ना, ये फिर 4-5 दिन वही पहन के, कल भी यही पहन के गई, आज भी यही पहन के गई। क्या हाल चाल, कैसा रहा है आपका दिन? बहुत अच्छा। क्या किताबें लाती है? 3-2-1 पापा कहीं लेके चलो, कुछ कंटेंट नहीं है। गाइस मिर्ची खा ली है, टमाटर की चटनी बनाई थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची देखा, आंसू के भी रूप बदल जाते हैं। बहुत मिर्ची लगी है। अभी हमको मम्मी को पापा को नया गाना आया ना कि लड़का दूल्हा से सुंदर, बीवी सुंदर चाहिए, उस पर रील बनवानी है। उस पर रील बनवानी है, तो बस ऊपर जा रहे हैं हम लोग, खाना खा के फटाफट रील बनाएंगे। मिर्ची लग गई है, कैमरा ऑन होते तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? ऐसे गिरता नहीं, देखो यहाँ पे सब सो गए हैं, हमारा खाना भी हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रील शूट करने। एक मोबाइल से हम रील शूट करेंगे, एक मोबाइल से ब्लॉग बनाएंगे। आ जाओ लेंगी, देखना क्या ये, देखो मम्मी चल रही पूरा, ये देखो ये पूरा पता है कैसे जली थी, मैं बताती हूँ। उस दिन हम लोग थोड़ा सुबह लेट हो गए थे, मम्मी ना लड्डू लाला के लिए खिचड़ी बना रही थी, तो इनको क्या लगा कि कहीं खिचड़ी जल ना जाए क्योंकि बदबू आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा, प्रेशर आउट ने उन्हें दिया कुकर का, उन्हें हार जाकर थोड़ा जो भी है खोल दिया, वो खोला ना तो वो ऐसे उड़ गई खिचड़ी पूरी किचन में, ऊपर और चिमनी में, नीचे हर जगह, अंदर पूरा, बस ये कि इनका ये चेस्ट बच गया, फेस नहीं, अंदर गया ना, लेकिन फिर भी यहाँ ज्यादा वो बच गया ना, इनका ये सब बच गया, वरना फिर बहुत दिक्कत आती। हम लोग देख रहे थे मुंह अपना आगे और शरीर पीछे ऐसे खड़ी के, पूरी जगह पूरी किचन में खिचड़ी खिचड़ी हो रखी थी। चलो ये आप बताओ, बहुत डल नहीं लग रही साड़ी इनकी, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं लेकिन बहुत डर लग रही है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा रील में। फिर से मम्मी को याद करवानी पड़ती है लाइन, तो मम्मी को याद करवा रहे हैं क्या, लड़का देख घर में छो सुंदर, बीवी सुंदर चाहिए, बोलो कौन क्या होता है देखने में भी, क्या क्या बोल रही, क्या लड़का देख घर में देखने में छो सुंदर, बीवी सुंदर चाहिए, साला ऊपर से इसको ये ऑडियंस बताएगी कि मैं कैसा लगता हूँ, कैसा लगता हूँ, क्या हूँ, साला ऊपर से इनको फॉर्च्यूनर चाहिए, दहेज में बाबूजी को फॉर्च्यूनर चाहिए। गृहस्थी का काम करते करते आग में जल गई पूरा, देखो जरा हालत देखो, ये आगे रह गया, मैं पीछे हूँ, देखो ऐसे ही मैं मम्मी हूँ, ठीक है आप मम्मी हो, मैं पापा हूँ, ठीक है आगे ना, आप कैसे बोलोगी, इधर आओ, आप पापा बोलो, देखो कैसे, लड़का देखने में छा सुंदर, बीवी सुंदर चाहिए,
साला ऊपर से इनको फर्ज होना चाहिए। दहेज में, दहेज ये पैसा, दहेज में बाबू को, दहेज में बाबू को फर्ज होना चाहिए। बस अदाएं मारनी और क्या मारो, क्या ओवर एक्टिंग नहीं, बस ऐसे का एक उसमें मम्मी आप थोड़ा अपना वो ऐसा है, दहेज में बाबू को फर्ज चुना बाबू का थोड़ी पता नहीं, दहेज में बाबू को फर्ज चुना चाहिए। साथ में कहीं अलग कुछ सीख लिया है, चलो अलग से उनको फिर ओपन करके कर लो। चलो वन टू, वो कैमरे में मत देखो, कैमरे में मत देखो, नॉर्मल रहो, पापा हंसना नहीं है, ये तो हंसने वाला है, हर गाना हंसने वाला नहीं होता है भैया। चलो चलो धीरे धीरे, मैं चिल्लाऊं मम्मी चिल्लाना पड़ता है, सुनते नहीं हो। चलो वन टू मिल, हां स्टार्ट। का हम टाइम से नहीं बोलते, का चलो थ्री पापा अच्छा कर रहा मैं बोल रही हूँ ना, कॉपीराइट आ जाएगा। दूल्हा देखने का, वो चलो का दूल्हा देखने में अरे तू भी ऐसे कर रही है, दूल्हा देखने में सुंदर बीवी सुंदर चाहिए, साला ऊपर से इनको परचूनर चाहिए, दहेज में बाबू को फर्ज़। तो मम्मी को किस हक से बता रही थी ये बता, तो मम्मी को किस हक से बता रही थी, मम्मी से तो अच्छा ही कर रही हूँ। अब ये बात है ना, देख तूने मुझे चल दिया, मामा होती है बेटी बेटी होती है, देख चल मम्मी मम्मी को लिप सिंक कर रही हूँ, ऐसे करो वन टू थ्री स्टार्ट। का सा नहीं, दूल्हा देखने में छुछुंदर बीवी सुंदर चाहिए, साला ऊपर से इनको फॉर्च्यूनर चाहिए, दहेज में बाबू को फॉर्च्यूनर चाहिए। ये बाबू से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है बाबू, बाबू जी ने तो अभी क्या रेसन चल रही है, उसके साथ से रेस कर रहा है और इधर वाली की तो रेट कैसे हो। ठीक है, इंस्टा पे नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख लेना, अगर इनका ये वीडियो पड़ा हो तो देख लेना, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वीडियो इनका इनका बनता है या नहीं बनता है। इनका बन गया तो भी मैं दूसरा बनाऊंगी, खुद का नहीं बना तो भी बनाऊंगी, लेकिन ये है कि हस्बैंड वाइफ का गाना है तो उन लोगों का बना रही हूँ, और इसमें दो वीडियो बनेंगी इस सॉन्ग पे, एक दो एक तो उनकी एक मेरी सिंगल इनकी डबल, जब मेरा डबल आ जाएगा तो उसके साथ ठीक है गाना सेव करके। ये कहाँ घूम गई, ये अलग तरीके से का
अरे कैसे तुम ऐसे खड़े हो? मैं अरे इस सिलसिले पीछे ना बताइए ये दिखा का हमारी रील बन के रेडी हो चुकी है। मस्ती मजाक वाली रील कब से बोल रही थी मम्मी मस्ती में बनाओ मस्ती में बनाओ, लेकिन ये लोग मस्ती में बना ही रहे थे, सीरियस होकर बना रहे थे कि इसमें इसको फिर जबरदस्ती करवा रहा है। और फिर जैसे मस्ती के मूड में आया ना ये लोग, फिर मेरा बोलने चालू कर दी वीडियो और अच्छी मस्ती वाली वीडियो बन गई, वो डालूंगी आप लोग देख लेना। और ऐसे सॉन्ग पे मैं अपना भी शॉर्ट डालूंगी, लेकिन मेरा सिंगल रहेगा, इन लोग का डबल है क्योंकि हस्बैंड वाइफ का था कुछ केमिस्ट्री, तो मैंने फिर इन लोग का बनाया, अपना बनाऊंगी लेकिन बाद में। तो क्या आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें। 1K की फैमिली होने वाली है, थैंक यू सो मच। इस 1K की फैमिली में कोई भी रिलेटिव जान पहचान वाला किसी कोई भी इंक्लूड नहीं है, मेरे जितने मेरे 1000 लोग हैं जितने भी हैं वो मेरे, मुझे नहीं पता कौन से कोने से हैं, कौन है मुझे नहीं पता। इसमें से एक मेंबर भी ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से सब्सक्राइब करवाया है या मेरा कोई फैमिली या कोई कुछ भी नहीं, किसी को बताया ही नहीं है चैनल के बारे में, क्योंकि मैं चाहती थी जितने भी लोग जुड़े खुद से जुड़े और बाहर की पब्लिक जुड़े और वो फैमिली बने हमारी। तो मैंने किसी मैंने इसलिए हमारी फैमिली में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे आपकी फैमिली बनानी थी, हमारी फैमिली बनानी थी। तो मेरी फाइनली 1K की फैमिली होने वाली है, तो चैनल को और सब्सक्राइब करें और ताकि हम लोग फटाफट फटाफट माना फिर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना और हमें थोड़ा सी हिम्मत देना क्योंकि मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ। सॉरी मम्मी नहीं बनाती है ना, फ्रेंड को सपोर्ट करना पड़ता है। तो बस 100K कह रही हूँ, यस 100K की फैमिली भी होगी आपका सपोर्ट रहेगा। तो मैंने किसी भी फैमिली मेम्बर को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मुझे ये फैमिली अपनी रियल फैमिली बनानी थी जो कि मेरी 1K की फैमिली रियल बन चुकी है। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहना और ऐसे हमारे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, बाय।